अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू बिब्लियो बूट। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम चैनल बना रहे हैं या हम बना चुके हैं, इसका मकसद क्या है और इसका नाम जो है इसका मतलब क्या है। बिब्लियो बूट दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बिब्लियो एक लफ्ज़ है और जो दूसरा लफ्ज़ है वो है बूट। बिब्लियो का मतलब है रिलेटेड टू बुक्स, और जो बूट है इसका मतलब है संदूकचा, यानी जो हमारे घर में एक पेटी या फिर एक ब्रीफ केस होता है, एग्जैक्टली वही सेम चीज़। तो बिब्लियो बूट से मुराद है कि एक ऐसा संदूकचा जिसके अंदर किताबें हों या फिर किताबों से ताल्लुक़ रखने वाला कोई संदूकचा। तो इस नाम को रखने का मकसद ये था कि हमारे जो इसके ऊपर वीडियोस या जो भी कंटेंट हम डालेंगे, उस कंटेंट का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुक से होगा, क्योंकि हम लेक्चर्स डिलीवर करने वाले हैं। तो लेक्चर्स में डेफिनेटली जो भी कंटेंट होता है वो बुक से लिया गया होता है या फिर किसी ऐसे बंदे से लिया गया होता है जिसने कोई बुक लिखनी होती है या लिख चुका होता है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसका जो ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं बुक से जा पड़ता है। तो हमने इसलिए अपने चैनल का नाम बिब्लियो बूट रखा, और इसकी एक और वजह भी है कि ऐसा कोई चैनल नहीं है, ये बिल्कुल यूनिक चैनल है, इसलिए हमने इसका नाम बिब्लियो बूट रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोसीजर है फर्दर जो आने वाला है वो ये है कि हम वीडियोस बनाएंगे, एक टॉपिक्स की हम सीरीज़ चलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सब्जेक्ट लेंगे और उस सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स हम सीरीज़ में चलाएंगे। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं कि हम मैथ कम्युनिकेशन ले लेते हैं, तो मैथ कम्युनिकेशन में हम कुछ टॉपिक्स चलाएंगे, जैसे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर होगा। इसी तरह से कम्युनिकेशन के बाद मैथ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, और कम्युनिकेशन और मैथ कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में फ़र्क क्या है, और जो कम्युनिकेशन होती है उसकी टाइप्स क्या हैं, और इसी तरह से मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं, और थ्योरीज हो गई मीडिया थ्योरीज जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो हमारे साइकोलॉजिकल वारफेयर हो गया, और भी डिफरेंट टॉपिक्स। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक सीरीज़ होती है टॉपिक्स की, वैसे ही हम एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। और इंशाल्लाह आप हमारी वीडियोस कोई ज़्यादा लेंथी नहीं होंगी, हम इसको 5 to 6 मिनट तक पॉसिबली हम इसको वाइंड अप कर देंगे। कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना होता है, तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम उसको मैक्सिमम 8 to 9 मिनट्स तक हम उसको वाइंड अप कर देंगे, या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी हो गया तो 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई सुन भी नहीं सकता और बोर हो जाता है। तो इसके लिए आप तैयार रहें, इंशाल्लाह हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी वो विद इन 1 डे आपको मौसूल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।